गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माई ऑनलाइन क्लास। देखिए बच्चों, आज ये आपका इंग्लिश का टर्न है। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था ए का यूज, यानी ए का यूज हमें कहाँ करना है, पर आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ए एन, हमें ए एन का यूज कहाँ पर करना है। ए एन इज यूज फॉर वन ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, इस परिभाषा में क्या डिफाइन हो रहा है कि ए एन का यूज हमें वहां पर करना है जहां पर वन ऑब्जेक्ट होगा। आया समझ कि जहां पर वन ऑब्जेक्ट होगा। देखिए अब नेक्स्ट वो देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। इफ द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट बिगिन विद अ वोवल्स, आप सभी को पता होगा बच्चों, मैंने आपको लर्न भी कराए थे कि वोवल्स कितने होते हैं। वोवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। कौन कौन से वोवल्स होते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ए ई आई ओ यू। देखिए इन्हें काउंट भी करते हैं हम, 1 2 3 4 5। तो बच्चों कितने हुए वोवल्स, मैंने आपको बताया अभी था और आपको रटे हुए भी हैं। वोवल्स कितने होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। देखिए If the name of the one object with begin with a vowels, यानी हमें ए एन का यूज हमें वहां पर करना है जहां पर वन ऑब्जेक्ट होगा। वी अस ए एन, यानी ए एन का यूज वहीं पर हमें करना है जहां पर वन ऑब्जेक्ट का यूज होगा। देखिए वोवल्स दिए गए हैं, कौन कौन से वोवल्स होते हैं, ये A E I O U। यहां पर भी देखो बच्चों शो हुआ हुआ है A E I O U, यानी जहां पर वोवल्स होंगे। आपको अब आपको पता चल गया कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, जहां पर वोवल्स होंगे हमें वहां पर किस चीज का यूज करना है, एक A N, किस चीज का यूज करना है, A का और एन का, ए एन। ठीक है, वहां पर हमें हमने खाली नेक्स्ट क्लास में, पहली क्लास में हमने ए का यूज किया था और यहाँ पे करना है एन का यूज। क्या करना है, एन का यूज हमें, एन का यूज हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं हम, ये क्या है, एप्पल। क्या है ये, सभी को दिख रहा है बच्चों ये एप्पल है, सभी को दिख रहा है, नहीं है, क्या है ये, एप्पल है। एप्पल की स्पेलिंग्स देखिए पहले, ए डबल पी एल ई, एप्पल। सभी यही है स्पेलिंग, ये क्या है, ए, ये बताइए ए क्या है, ए है वोवल्स। क्या है, ए वोवल्स। इसलिए वोवल्स मैंने आपको डेफिनेशन में शो कराया था कि जहां पर हम वोवल्स होगा वहां पर हमें एन का यूज करना है। क्या है, किस चीज का यूज करना है, एन का, ए एन एन, किस चीज का यूज करना है, ए एन एन। तो ये क्या है, ए हमारा वोवल्स, क्या है ये हमारा वोवल्स, क्या है ये वोवल्स। अब नेक्स्ट देखेंगे एरोप्लेन, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एरोप्लेन। देखिए बच्चों ये अलग कलर से भी शो हो रहा है, पर हमें यहाँ पर ये नहीं देखना है कि ये अलग कलर से शो हो रहा है, तो ये हमारा वोवल्स हुआ। हमें ध्यान यहाँ पर देना है, आप सभी को पता है कि वोवल्स कौन कौन से होते हैं, आपको याद भी कराए हुए मैंने, ए ई आई ओ यू। देखिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ए, ए क्या है हमारा, वोवल्स है, तो हमें किस चीज का यूज करना है, एन का, किस चीज का यूज करना है, एन का। अब नेक्स्ट देखेंगे एंट, ए एन टी एंट। तो देखिए ये भी क्या है हमारा, ए, ए क्या है हमारा, वोवल्स है, तो हमें वहां पर भी किस चीज का यूज करना है, ए एन एन का, ए एन एन। अब देखो बच्चों आपने तीन उसमें देखा होगा कि ए का यूज है, ठीक है, ए एन यानी वोवल्स का यूज तीनों जगह सेम हो रहा है, तो हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, एन का। अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, यहां पर भी हमें यही देखने के लिए मिलेगा। देखिए आई, आई क्या है हमारा, आई भी हमारा वो, आई भी वोवल्स है, ठीक है, आई क्या है हमारा, आई क्या है हमारा वोवल्स है,
तो वहां पर भी किस चीज का यूज हो रहा है, एन का। किस चीज का यूज हो रहा है, एन का। ठीक है बच्चों, किस चीज का यूज हो रहा है, एन का। ये है आइसक्रीम, आई सी ई सी आर ई ए एम, आइस क्रीम। तो क्या है ये, वोवल्स। मैंने आपको बताया है, डेफिनेशन में भी शो कराया है कि जहां पर भी वोवल्स होगा वहां पर किस चीज का यूज करना है, एन का यूज करना है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ओ आर ए एन जी ई। तो ओ क्या है बच्चों हमारा, ओ भी हमारा वोवल्स है, तो वहां पर भी हमें एन का यूज करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है। आपने सभी देखा होगा एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। एलिफेंट बच्चों देखो क्या है ये, ई क्या है, वोवल्स। ई क्या है, वोवल्स। आप सभी देख रहे होंगे कि ई हमारा वोवल्स है, तो इसके साथ हमें किस चीज का यूज करना है, एन का। किस चीज का यूज करना है, एन का। अब देखिए इंक पोट, नेक्स्ट क्या है बच्चों हमारा, इंक पोट, आई एन के इंक पी ओ टी पोट, इंक पोट। तो आई क्या है हमारा, आई क्या है हमारा, वोवल्स। क्या है आई हमारा, वोवल्स। तो उसके साथ हम किस चीज का यूज करेंगे बच्चों, है बच्चों किस चीज का यूज करेंगे, एन का। किस चीज का यूज करना है हमें, एन का। देखिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, ऑक्स, ओ एक्स, ओ एक्स ऑक्स। तो ओ भी क्या है हमारा, मैंने आपको बताया था कि फाइव वोवल्स होते हैं, वोवल्स के साथ हमें क्या यूज करना है, एन का यूज हमें करना है। अब देखिए ओ हमारा वोवल्स है, तो यहां पर भी क्या यूज करना है हमें, एन का। किस चीज का यूज करना है, एन का। अब देखिए नेक्स्ट ये क्या है, आई, ये क्या है, आई, ई वाई ई आई, आई क्या, आंखें। ठीक है, तो ई क्या है हमारा, ये भी हमारा वोवल्स है, ई भी हमारा क्या है बच्चों, वोवल्स है। आपको रटे हुए हैं ये, ठीक है, आपको मैंने फिंगर्स पे कर करके आपको सिखाया था कि फाइव वोवल्स होते हैं, आपको भी वो तो याद ही है। ठीक है बच्चों, ई, ई भी क्या है हमारा, वोवल्स है, तो उसमें भी किस चीज का यूज करना है हमें, एन का। ऐसे हमारा नेक्स्ट देखिए बच्चों, ओनियन, ओ एन आई ओ एन, ओ एन आई ओ एन, ओनियन। तो देखिए फर्स्ट लेटर बेटर, फर्स्ट लेटर देखना है सबसे पहले हमें, फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, वोवल्स है, तो वोवल्स के साथ हमें एन यूज करना है। क्या यूज करना है बच्चों, एन यूज करना है। अब देखिए नेक्स्ट, अम्ब्रेला, ई एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छाता, तो यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। तो यू फॉर, यू क्या है बच्चों हमारा, वोवल्स है आपको पता है, तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है, एन का यूज हमें करना है। बच्चों देखिए अब हम एक बार फिर दोबारे से इन्हें रिवाइज करेंगे। देखिए देखो ये क्या है, एप्पल, तो किस चीज से शुरू हो रहा है, वोवल से, तो उसके साथ भी एन का यूज करना है। ये है एरोप्लेन, एरोप्लेन किस से शुरू हो रहा है, ए से, तो इसके साथ भी एन का यूज हमें करना है। ये क्या है, एन, तो ये ए से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ भी क्या यूज करना है, एन यूज हमें करना है। ये है आयरन, तो ये आई से शुरू हो रहा है, वोवल से शुरू हो रहा है, तो ये भी इसके साथ भी हमें एन यूज करना है। ये आइसक्रीम, आइसक्रीम आई से शुरू हो रही है, ठीक है, तो ये भी क्या है, वोवल से, तो ये भी हमें एन यूज इसके साथ हमें करना है। बच्चों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ऑरेंज, तो ओ क्या है हमारा, वोवल से, तो उसके साथ भी हमें एन यूज करना है। अब देखिए एलिफेंट, ई क्या है हमारा, ये भी वोवल्स है, तो उसके साथ एन का यूज हमें करना है। इंक पॉट,
आई क्या हमारा वॉवल्स, तो उसके साथ हमें ए एन एन यूज करना है। ऑक्स, ओ क्या है हमारा वॉवल्स है, तो उसके साथ ए एन एन यूज करना है। बच्चों नेक्स्ट देखेंगे आई, आई भी क्या है हमारा ई से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ भी ए एन एन यूज करना है। ये क्या है बच्चों देखिए ओनियन, ओनियन भी ओ से शुरू हो रहा है, तो ये भी हमारा वोवल से, तो उसके साथ भी हमें ए एन एन यूज करना है। देखिए बच्चों ये क्या है अम्ब्रेला, तो यू फॉर अम्ब्रेला, यू क्या है हमारा वोवल से, लास्ट वोवल से, लास्ट वोवल्स भी कह सकते हैं, लास्ट वोवल्स यानी यू, यू लास्ट में आता है, तो इसके साथ हमें ए एन एन यूज करना है। अब बच्चों देखिए आपको ये सभी पता चल गया होगा कि ए का यूज कहाँ करना है हमें और ए एन का यूज हमें कहाँ पर करना है। मैंने पहली क्लास में बताया था कि ए का यूज हमें कॉन्सोनेंट के साथ करना है और ए एन का यूज हमें वोवल्स के साथ करना है। देखिए बच्चों पहली वाली क्लास में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स जो होते हैं वो हमें ए के साथ यूज करना है। अब देखिए अभी ये भी समझ में आ ही गया होगा कि हमारे फाइव वोवल्स होते हैं, वोवल्स के साथ हमें ए एन एन का यूज करना है। थैंक यू बच्चों।